भारत के सबसे अमीर खानदान मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बारे में हर कोई जानना चाहता है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से। मुकेश और नीता अंबानी की शादी 1985 में हुई थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था। आपको बता दें, मुकेश से पहले उनके पिता धीरू भाई ने नीता को पसंद किया था। इस बारे में एक इंटरव्यू में नीता ने बताया, गुजराती कम्युनिटी की तरफ से नवरात्रि पर एक एनुअल फंक्शन था। मैंने उस फंक्शन में परफॉर्म किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई मुझे नोटिस कर रहा है। फंक्शन के कुछ दिन बाद घर पर कॉल आया। उन्होंने कहा, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। नीता ने आगे बताया, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। मैंने तुरंत फोन काट दिया। इसके बाद फिर कॉल आया। फिर वो बोले, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ तो मैं एलिजाबेथ टाइलर हूँ, और फोन रख दिया। उन्होंने तीसरी बार भी कॉल किया। इस बार मेरे पापा ने फोन उठाया। अचानक उनके हाव भाव बदल गए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो सच में धीरू भाई अंबानी है, क्या तुम उनसे ठीक से बात करोगी। धीरू भाई अंबानी ने फिर नीता और उनके परिवार को डिनर पर बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचे, धीरू भाई ने अपने बेटे मुकेश को दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब मुकेश ने दरवाजा खोला, वो नीता को देखते ही उन्हें अपना दिल दे बैठे। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और जानने समझने लगे। नीता और मुकेश अंबानी महंगी मर्सिडीज कार को छोड़कर डबल डेकर बस में सफर करते थे।